नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आप देख रहे हैं मोस्ट यूनिक। दोस्तों ये जो मैंने पहन रखा है ये कोई नेक बैंड नहीं है, ये है नेक फैन। मैंने पहले भी एक नेक फैन अनबॉक्स किया है बट आजकल ये बहुत चल रहा है, इसकी एड बहुत चल रही हैं, बहुत स्टाइलिश है देखने में और हैंड्स फ्री नेक फैन है, तो ये मैंने मंगाया है अनबॉक्स करने के लिए। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी है और क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। और दोस्तों मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, एक मैंने जो पहले अनबॉक्स किया हुआ है नेक फैन जो कि ये वाला है, इसमें और इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा क्या है, कौन सा बेटर है ये या ये। तो सीधे चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे और देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है और कौन सा वाला बेटर है। ये है बॉक्स विनलेस नेक फैन का और यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है विनलेस हैंगिंग नेक फैन। विनलेस का मतलब आप ब्लेडलेस भी बोल सकते हैं। और नीचे देखें तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का पिक्चर दिया हुआ है और इधर देखें तो यहाँ पे डायमेंशन मेंशन है इसकी और इस तरफ देखें तो यहाँ पे ग्रेट फॉर इंडोर एंड आउटडोर यूज बताया गया है इसको। और साइड में देखिए तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंडियन कलर वेरिएंट्स में ये अवेलेबल है मार्केट में और हमने इसको ब्लू में मंगाया तो हमारे यहाँ ब्लू में टिक है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे पूरी डिटेलिंग प्रोडक्ट की बता रखी है और इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या है सब बता रखा है, वो मैं अभी आपको प्रोडक्ट में बता दूंगा। और नीचे देखें तो इसमें बताया गया है कि ये सारी चीज़ें इसमें हैं, या आता है सराउंड एयर सप्लाई के साथ, लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ, लाइट टोन एंड लो नॉइस के साथ, थर्ड गियर विंड के साथ, रैम्प एयर गाइड के साथ और स्ट्रॉन्ग विंड के साथ। और इस साइड देखें तो यहाँ पे भी वेनलेस हैंगिंग नेक फैन लिखा हुआ है और यहाँ पे बताया गया है कि ऑन ऑफ बटन और चार्जिंग पोर्ट जो है इस तरफ दिए हुए हैं, वो मैं भी आपको बता दूंगा प्रोडक्ट में। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे भी सेम है और ऊपर की तरफ देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो नेक फैन है ये फ्लेक्सिबल नेक बैंड फॉर कम्फर्ट फिट है, ये जो है हर तरीके से मूव हो जाएगा। इसका जो ये पोर्शन है वो मैं भी आपको दिखा दूंगा ओरिजिनल प्रोडक्ट में, ये फ्लेक्सिबल है तो इसको आप ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, पहली है ये USB केबल जो कि माइक्रो USB केबल है और आप देख सकते हैं ये माइक्रो USB केबल है और इसी के थ्रू आप इसको चार्ज करेंगे और एज यूजुअल ये बहुत छोटी है तो आप इसको किसी भी मोबाइल चार्जर के थ्रू या पावर बैंक के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू भी कनेक्ट करके और इसको ईजिली चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है वो है ये नेक फैन। दोस्तों मैं बता दूँ इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू है और बहुत ज़्यादा डार्क है ब्लू इसका, तो कलर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ब्लैक लग रहा होगा बट ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू है। और इसकी जो बिल्ट क्वालिटी है वो भी सही है, कहीं से भी ये चीप नहीं लग रहा है बट बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड भी नहीं लग रहा है, मीडियम क्वालिटी आप बोलेंगे। और इसमें जो मटेरियल यूज्ड है वो सिलिकॉन PVC है और आप देख सकते हैं ये जो है इसका ये एडजस्टेबल पार्ट है, इस तरीके से आप कैसे भी करके इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो नेक पे डाल के और किसी भी तरफ ये किसी भी एंगल में मूव हो जाएगा, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें। और इस तरफ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है और इस तरफ यहाँ पे ये छोटी सी LED लाइट के लिए जगह दी हुई है, जब आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो यहाँ पे रेड कलर की LED जलना चालू हो जाएगी और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, 3 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये जो रेड लाइट यहाँ पे जलेगी वो जलना बंद हो जाएगी, इसका मतलब ये फुल चार्ज हो गया है। और इसको घुमा के देखें इस तरफ तो ये जो है ये बेसिकली इसके जो वेंट हैं इसके थ्रू हवा निकलेगी और ये ऊपर की तरफ हवा को फेंकेगा। ये जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट में दिए गए हैं, बेसिकली इसमें जो अंदर फैन लगा हुआ है, ब्लेड्स वाले फैन नहीं है इसमें बट छोटा प्लास्टिक का लगा हुआ है जिसमें ऑब्वियसली ब्लेड्स तो होंगे ही बट बहुत सारे छोटे छोटे ब्लेड्स हैं जिससे कि वो घूम के ये हवा यहाँ से खींचेगा और इस तरफ से फेंकेगा ऊपर की तरफ। तो अभी हम ये पहन के देख लेंगे कि कितना वो काम कर रहा है, फेस पे हवा आ रही है कि नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। और इस तरफ दोस्तों देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये ऑन ऑफ बटन, इसी के थ्रू आप इसको ऑन ऑफ भी करेंगे और इसी के थ्रू इसकी जो स्पीड है उसको भी आप चेंज करेंगे। इसको जब एक बार आप इस तरीके से ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें अंदर से तो दिख नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी कलर में डार्क है बट ये ऑन हो गया है। अगर आपको आवाज़ आ रही हो इसकी तो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, तो मैं इसको दोबारा से ऑन करता हूँ और आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो हवा है वो किस तरीके से ये कागज़ जो है इसको उड़ाती है। तो मैं इसको एक बार फिर से यहाँ से ऑन कर देता हूँ इस तरीके से और ये देखिए ऑन होते ही जो ये पत्ते हैं ये बाहर को आने लगे, हवा चालू हो गई है। और इसी को जब दोबारा आप क्लिक करेंगे तो सेकेंड टाइम क्लिक करने के बाद ये फैन स्पीड जो है वो और तेज़ हो जाएगी और थर्ड टाइम जब क्लिक करेंगे तो फैन स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी इस तरीके से।
आप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये उड़ रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से हवा आ रही है, ये फुल स्पीड पे है, थर्ड पे है, तो ये इस तरीके से हवा दे रहा है दोनों तरफ से। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हवा आ रही है। और आप अगर सुन सकते हो तो ये देखिए ये आवाज़ भी कर रहा है, हालांकि इसकी पैकिंग में लिखा है कि इसमें 31 dB का साउंड है, बट जो कि बहुत कम होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट आवाज़ आ रही है, आपको आराम से ये डिस्टर्ब कर सकता है, इतनी इसकी आवाज़ है। और आप सुन सकते हो अगर अगर कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हो तो। और ये सिर्फ हवा जो है वो इन वेंट से ही निकलेगी, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें से हवा ये अंदर ले रहा है और फिर फेंक रहा है, यहाँ से हवा ये फेंक नहीं रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये जो LED लाइट मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये ब्लू जलने लगी है, इसका मतलब ये ऑन है। जब हम इसको ऑफ कर देंगे, फोर्थ टाइम पे इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑफ हो जाएगा और यहाँ लाइट जलना बंद हो जाएगी। दोबारा मैं दिखा देता हूँ, इसको ऑन करेंगे तो ये लाइट यहाँ पे जलना चालू हो गई, ये फर्स्ट फैन स्पीड चालू हो गई, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो सेकेंड स्पीड फैन की, और उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे तो थर्ड फैन स्पीड चालू हो जाएगी और यहाँ पे लाइट ये ब्लू जलती रहेगी। और उसके बाद फोर्थ टाइम पे जब इसको बंद कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है और बहुत डिटेलिंग में सब कुछ है, बहुत शॉर्ट में है, ज़्यादा बटन नहीं है, एक ही बटन है जिससे ऑपरेट होगा, लाइट इसमें कोई है नहीं। और बात करें इसकी बैटरी की, तो अगर आपको कभी भी इसकी बैटरी चेंज करनी हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्रू दिए हुए हैं, इनको अब अगर आप ओपन कर लेंगे तो इसमें से बैटरी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें 2000 mAh की बैटरी है जो कि वर्क करेगी, अगर आप उसको फुल स्पीड पे चलाते हैं, थर्ड फैन स्पीड पे चलाते हैं तो 1 घंटे से कम का समय ये आपको कंटिन्यूअस देगा। इसके जो पैकिंग है उसमें तो ज़्यादा लिखा हुआ है, बट 1 घंटे से कम का ही ये समय आपको देगा। तो अब मैं आपको इसको पहन के अपने गले में और ऑन करके और दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है, और बताऊँगा कि पूरे फेस में इसकी जो हवा है वो आ रही है कि नहीं। दोस्तों मैंने ये नेक फैन पहन लिया है, और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, कहीं भी इस तरीके से ऐसे या ऐसे या और वाइड करके, कहीं भी आप ऐसे करके ऐसे रख के कुछ भी करके आप किसी भी डायरेक्शन में इसको सेट कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, आराम से सेट हो जाएगा। बट हम इसको फिलहाल इस तरीके से सेट कर लेते हैं और अब इसको ऑन करके देखते हैं। सो गाइस, मैंने इसकी फर्स्ट स्पीड को ऑन कर दिया है, मैंने इसको ऑन किया तो जो इसकी फर्स्ट स्पीड है वो चल रही है अब। और मैं बता दूं कि इसकी जो हवा है वो आना मुझे चालू हो गई है, यहाँ यहाँ तक फर्स्ट फैन स्पीड जो है वो यहाँ तक हवा फेंक रही है। बट दोस्तों मैं बता दूँ कि इसकी जो हवा है वो सिर्फ इतने फेस के एरिया में आ रही है, सामने इसकी हवा नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये है कि इसकी जो वेंट है ये यहाँ से चालू हो रहे हैं तो यहीं से ये हवा फेंक रहा है, और नीचे से तो हवा आएगी नहीं तो हवा फेंक नहीं रहा है, और ना हम इसको कुछ इस तरीके से घुमा ही सकते हैं कि ये हमारे सामने वाले फेस पे जो ये पोर्शन है इस पर ये हवा फेंके, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। बट इसकी स्पीड अच्छी है, यहाँ तक हवा आ रही है। उसको सेकेंड भी कर देता हूँ मैं, ये सेकेंड भी कर लिया मैंने और फैन स्पीड बढ़ गई है और ज़्यादा हवा आ रही है, और अब यहाँ तक हवा पहुँच रही है, यहाँ यहाँ तक हवा पहुँच रही है, पहले यहाँ तक आ रही थी, अब यहाँ यहाँ तक हवा पहुँच रही है। और थर्ड में मैं अगर शुरू कर दूँ तो ये फुल स्पीड पे हो गया है। इसकी आवाज़ काफ़ी है, अगर आप पहने होंगे तो इसकी अच्छी खासी आवाज़ है, 31 dB लिखा है बट मेरे हिसाब से अच्छी खासी इसकी आवाज़ है, और हवा अब पूरी यहाँ तक आ रही है। बट इसमें चक्कर यही है कि जो भी हवा आ रही, स्पीड अच्छी है, हवा भी अच्छी आ रही है, बट सिर्फ इतने एरिया में आ रही है, यहाँ सामने कोई हवा नहीं आ रही है, सिर्फ इतने एरिया में हवा आ रही है, ना पीछे ना कहीं नहीं, सिर्फ इतने एरिया में हवा आ रही है, यहाँ सामने की तरफ कुछ हवा नहीं है। स्पीड अच्छी है फैन की और हवा भी अच्छी फेंक रहा है, बट ड्रॉबैक यही है कि ये सिर्फ इतने साइड में ही हवा फेंक रहा है बिकॉज ऑफ दीज वेंट्स। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं किसी ऐसी जगह पे जैसे जिम हो गया या किचन हो गया या कहीं आउटडोर पे हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने एक नेक फैन अनबॉक्स किया था जो ये वाला है, और ये मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगा। बस दिखने में ये थोड़ा सा कम अच्छा है, ये थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है देखने में, बट ये वाला ज़्यादा बेटर है। उसका कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने अभी पहना हुआ है इसकी हवा फैन स्पीड अच्छी है, हवा भी अच्छी आ रही है, बट सिर्फ इतने पोर्शन में आ रही है जो मुझे समझ में कम आ रहा है, क्योंकि हम इसको और किसी तरीके से सेट नहीं कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल है बट इसको बस ऐसे ऐसे ही कर सकते हो और तो कुछ इसमें कर नहीं सकते हो। बट अगर हम इसको कंपेयर करें, और इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँ एक बार, इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैं पहन के देखता हूँ, और अब इसको ऑन करता ये हूँ, फर्स्ट स्पीड इसकी ऑन हो गई है। और इसमें फ़ायदा उसमें यह कि इसको मैं किसी भी तरीके से इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ, और फर्स्ट स्पीड में ही इसको मैं अगर ऐसे रखता हूँ तो अब ये मेरे पूरे फेस पे हवा फेंक रहा है, ये इस तरीके से मेरे पूरे फेस पे अब
हवा ये आने लगी है ऐसे, ये यहाँ पे भी हवा फेंक रहा है, इधर भी हवा फेंक रहा है, पूरे में ही आने लगी। अभी ये फर्स्ट स्पीड है इसकी। अब मैं सेकंड स्पीड अगर करूँ, ये इसकी सेकंड स्पीड है और अब ये थर्ड स्पीड हो गई। तो इसकी आवाज़ भी उससे कम है थर्ड स्पीड में भी, और इसकी हवा बहुत बढ़िया है। ये देखिए मेरे बाल भी, ये देख रहे हैं आप, मेरे बाल भी आराम से उड़ रहे हैं, अच्छी खासी स्पीड है। और पूरा ये मेरे इस तरीके से सेट करने पे ये मेरे फेस पे पूरा आ रहा है, मस्त मस्त हवा आ रही है। आप इससे अपनी गर्मी मिटा सकते हो, पसीना वसीना आपका पूरा दूर हो जाएगा, बहुत बढ़िया इसकी हवा है। आप देख सकते हैं मेरे बाल भी ये यहाँ से भी हिल रहे हैं, ये देखिए। तो ये इतनी स्पीड इसकी है। बट अगर मैं उसकी बात करूँ तो इसको ऑफ कर देते हैं पहले, ये ऑफ हो गया। अब मैं इसकी बात अगर करूँ और इसको दोबारा मैं ऑन कर लूँ इस तरीके से, ये देखिए ये ऑन हो गया है। थर्ड स्पीड कर लेते हैं इसकी, सेकेंड थर्ड। और ये मैं अगर पहनूँ भी तो आप कंपैरिजन देखिए, इसकी जो हवा है यहाँ पे सिर्फ सिर्फ इतने एरिया में है, सामने है नहीं। और आप देख सकते हैं कि आ रही है यहाँ तक हवा, लेकिन इतनी स्पीड नहीं जितनी उसकी है कि बाल हिल जाते उसमें। इसमें वो सिस्टम नहीं है और हम इसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं कुछ तरीके से कि पूरे फेस पे ये हवा फेंक पाए। हवा तो दे रहा है बट उतनी मज़ेदार नहीं है दोस्तों। अगर मैं कंपेयर करूँ इस वाले का, ये वाला फार बेटर है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया हवा के मामले में, क्योंकि बेसिक यूज़ हम लोग का वही है कि हम लोग को मेन हवा के लिए चाहिए ये, कि हमारा जो भी वर्किंग हम कर रहे हैं या कहीं भी हम हैं तो गर्मी ना लगे हमें, तो उसमें ये ज़्यादा कारगर मुझे लग रहा है। और ये कारगर नहीं लग रहा है, बस ये थोड़ा सा स्टाइलिश है, लग नहीं रहा है एज अ फ़ैन, बट ये एज अ फ़ैन लग रहा है, दिख रहा है। बट ये ज़्यादा बेटर है, ये बहुत ज़्यादा बेटर है। ये तो उसके सामने मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, काम कर रहा है। ये नहीं बोलूँगा कि काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। हवा भी इसकी है, फैन स्पीड भी ठीक है, बट इसके कंपेरिजन में आई थिंक मैं 70% ये रिकमेंड करूँगा और 30% ये, बिकॉज ऑफ अगर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश रखना है तो आपका कम यूज़ है तो ये आप ले सकते हैं। बट मेरा जो आपको सजेशन होगा, अगर आप नेक फैन ढूंढ रहे हैं तो ये वाला फार बेटर है। और अगर आपको इसको देखना है, इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है, तो मैंने की हुई है, मैं दे दूंगा लिंक भी वीडियो में, तो आप देख सकते हैं इसकी भी अनबॉक्सिंग। और बात करें प्राइस की, दोस्तों ये प्राइस में भी बहुत सस्ता है। ये लगभग लगभग 300 के आसपास आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। और ये जो है इसकी स्टार्टिंग 999 से है अमेज़ॉन पे, तो ये महंगा भी बहुत है और काम भी इसका कम अच्छा है, थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगा। और ये तो बहुत ही बढ़िया, अभी मैंने आपको दिखाई दिया यूज़ करके। फिर भी अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है, अगर आपको पसंद आया है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, 999 से स्टार्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द सेलर एंड अवेलेबिलिटी। और देखने में तो स्टाइलिश लग ही रहा है ये, बट अगेन मैं यही कहूँगा कि इससे फार मोर बेटर है वो वाला, तो आप अपने हिसाब से देख के चूज़ करिए। और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।